हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, प्रणाम। हाउ आर यू ऑल ऑफ यू? आई होप यू ऑल विल बी फिट, फाइन एंड हेल्दी एट होम। टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू चैप्टर 3, लेखनम मीन्स राइटिंग। यहाँ पे संस्कृत लैंग्वेज में थोड़ा दिया हुआ है। संस्कृत लैंग्वेज इज रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट। संस्कृत लैंग्वेज जो है वो देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखी जाती है। द स्क्रिप्ट ऑफ अवर मदर टंग हिंदी गुजराती इज डिराइव्ड फ्रॉम द स्क्रिप्ट ऑफ देवनागरी। हमारी जो मातृभाषा है वो जैसे कि हिंदी है, गुजराती है। मदर टंग मीन्स जो हम रेगुलर घर पे जो लैंग्वेज यूज़ करते हैं, बोलते हैं, उसको मदर टंग कहते हैं। तो ज़्यादातर हमारी मदर टंग कौन सी है? या तो हिंदी है या तो गुजराती। तो ये हिंदी गुजराती जो है वो भी देवनागरी स्क्रिप्ट में से ही डिराइव हुई है। एक्सेप्ट शिरोरेखा, सम अल्फ़ाबेट्स आर रिटन एज दे आर रिटन इन देवनागरी। कई सिर्फ शिरोरेखा को छोड़ के, मतलब हम जो ऊपर लाइन खींचते हैं हिंदी में जो वर्ड लिखते हैं, कोई भी वर्ड, तो ऊपर लाइन खींच के लिखते हैं, और गुजराती में लाइन नहीं खींची जाती है। तो शिरोलेखा को छोड़ के बाकी सारे वर्ड ऐसे ही है जैसे देवनागरी लिपि में लिखे जाते हैं। सो देयर रिकॉग्नाइजेशन या इंट्रोडक्शन इज़ वेरी इजी। इसीलिए इसका आइडेंटिफिकेशन और इंट्रोडक्शन बहुत ही इजी है। कर्व्स एंड ऑफ सम लेटर्स आर डिफरेंट सो लेटर्स अंडरस्टैंड देम। यहाँ पे कई लेटर्स दिए हैं जो उसमें थोड़ा कर्व डिफरेंट तरीके से है, उसको हम अभी समझते हैं। तो फर्स्ट लाइन में लिखा है ग, ध, छ और ल। ये चारों ग और ध में देखो थोड़ा थोड़ा ही डिफरेंट है। ये जो दो वर्ड है उसमें लिखावट में थोड़ा ही डिफरेंस है कर्व में। उसके बाद छ और ल में भी थोड़ा डिफरेंस है। उसके बाद च, ज, च और छ, ज में थोड़ा सा अच्छा लिखने का मेथड अलग अलग है। उसके बाद ज, ग्न, वो उसमें भी सेम है। दो दो वर्ड है उसमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है। ट और ठ में लिखने में थोड़ा चेंजेस है। उसके बाद ड है, द है, वो दोनों में थोड़ा चेंजेस है। उसके बाद है प और स में थोड़ा डिफरेंस है। उसके बाद है फ और अण। ये वर्ड जो है कैरेक्टर लेटर है उसमें थोड़ा थोड़ा ही डिफरेंस लिखने में होता है। अब नेक्स्ट पेज पे देखो व और ब, ये दो वर्ड में थोड़ा ही डिफरेंस है लिखने में। उसके बाद कौमे और क्ष में थोड़ा डिफरेंस है। उसके बाद र और श, स और ख, ये चारों वर्ड में थोड़ा थोड़ा चेंजेस होता है। आपको सारे लेटर्स लिखने आते हैं। आप हिंदी और गुजराती पहले से पढ़ते हो, हिंदी जो कि में जो लेटर यूज़ होते हैं वही संस्कृत में भी यूज़ होते हैं। देर आर 33 कॉन्सोनेंट्स एंड 13 वॉवेल्स इन संस्कृत। संस्कृत में 13 वॉवेल्स है और 33 कॉन्सोनेंट है। उसके बाद यहाँ पे य है, थ है, वो दोनों में थोड़ा सा चेंजेस है। उसके बाद है म और भ, उसमें भी लिखने में थोड़ा ही चेंज है। उसके बाद ड और ड, नेक्स्ट है ज और ह। ये जो वर्ड आपको लेटर दिए हैं दो दो वर्ड, उसमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है लिखने में। नेक्स्ट पेज पे है त और न, उसमें भी थोड़ा चेंजेस है लिखने में। उसके बाद है ग एंड त्र, उसमें भी थोड़ा चेंजेस है। अब आए वोवेल्स अ और आ। देखो अ और आ लिखने में थोड़ा सा ही चेंजेस है। उसके बाद ई और बड़ी ई, ये पहले जो ई है वो छोटी ई है, उसके बाद बड़ी ई है, उस दोनों में भी थोड़ा सा ही डिफरेंस है लिखने में। उसके बाद ऊ और बड़ा ऊ, उसमें भी थोड़ा डिफरेंस है। उसके बाद ए और ए, इसमें भी थोड़ा डिफरेंस है, और रू। तो ये जो सारे वर्ड है वो सारे लेटर आपको अच्छी तरह से लिखने आते हैं। आपको ये चैप्टर में एक बार वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट अच्छे से नोटबुक में लिख देना है। अब नेक्स्ट पेज पे देखो एक्सरसाइज दी है। एक्सरसाइज में फर्स्ट है कॉपी द फॉलोइंग वर्ड्स। यहाँ पे वर्ड्स दिए हैं, उसको सही तरह गुड हैंड राइटिंग से आपको लिखना है। यहाँ पे आपको साथ में इंग्लिश में भी उसका मीनिंग राइट कर देना है। ओके, फर्स्ट वन है नकुलह मीन्स मंगूस, नेवला, मंडू, उसके बाद वृषभ मीन्स बुलॉक या तो बुल, बैल। ओके, थर्ड वन है मंडूकह मीन्स फ्रॉग, मेंढक। फोर वन है स्थालिका मीन्स प्लेट, थाली। फाइव नंबर है वस्त्रम मीन्स क्लोथ, औषधम मीन्स मेडिसिन, दवा, वस्त्रम मीन्स कपड़ा।
सेवन नंबर है संचिका मीन्स फाइल, एट नंबर है पिंजह मीन्स स्विच, नाइन नंबर है श्रृगालह मीन्स सियार फॉक्स, टेन नंबर है वानरह मीन्स मंकी वानर, इलेवन नंबर है संख्या मीन्स नंबर्स, ट्वेल्व नंबर है शशकह मीन्स रैबिट। क्वेश्चन टू है कॉपी द फॉलोइंग लाइन्स ऑफ द पोएम, यहाँ पे पोएम की लाइन लिखी है उसको आपको गुड़े राइटिंग से राइट करना है। फर्स्ट वन है सर्वे भवन्तु सुखिना, सब खुश रहो। सेकंड है सर्वे भद्राणी पश्यन्तु। थर्ड वन है शारदायै नमः। फोर्थ वन है वीणा पुस्तक धारिणी। फाइव नंबर है प्रसन्ना भव सर्वदा। ये जो पोएम की लाइन है वो आपको गुड हैंडराइटिंग से लिखनी है, साथ में इसका ट्रांसलेशन भी लिखना है। क्वेश्चन थ्री क्या है कॉपी द फॉलोइंग सेंटेंस, यहाँ पे सेंटेंस दिए हैं उसको आपको गुड हैंडराइटिंग से लिखना है और उसका भी ट्रांसलेशन राइट करना है। एकम वनम अस्ति, एक जंगल है, देर इज ए फॉरेस्ट। सेकेंड वन शशकः भीतः भवति, खरगोश डर जाता है, द रैबिट इज फ्राइटन। थर्ड वन श्रृगालः अनुधावति, सियार उसके पीछे जाता है, द फॉक्स रन्स बिहाइंड द रैबिट। फोर्थ वन शशकः वृक्ष समीपम आगच्छति, खरगोश पेड़ के पास में आता है, द रैबिट कम्स नियर द ट्री। फाइव वन शशकः पलायनम करोति, ससला चला जाता है, द रैबिट रन अवे। तो यहाँ पे ये चैप्टर छोटा सा है, वो एक्सप्लेनेशन हमारा पूरा हुआ। ओके, थैंक यू।